बेटा पैदा होने के बाद हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले गए। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? सच कह रही हो सही, अल्लाह सही को यही बच्चा वो हमें जान नशीन देके, गति नशीन देके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। शायद फिर मैं इसीलिए इस दुनिया में आई थी, शायद इसीलिए वो इस दुनिया में आई थी सही। हजरत एक जरूरी ऐलान सुनिए, हमारे गांव पर जो सैलाब का खतरा था वो अल्लाह की रहमत से टल चुका है। इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। गवर्नमेंट ने हमारे इलाके को महफूज करा दे दिया है, शुक्रिया। अरे अपने मुरीदों को छोड़कर क्यों चली गई? बताओ हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमारा कसूर क्या है? हमें किसके हवाले छोड़कर गई हो? हमारी पीर नहीं चली गई, हमारी पीर नहीं चली गई। अरे मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्यों नहीं पूछते किसी से? कौन है वो? कौन है? सामने आए, माफी मांगे, वरना बहुत बुरा असर होगा उसका, बहुत बुरा असर होगा उसका भी और हमारा भी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने माई पीरनी को? अपने जैसा छोटा सा मामूली इंसान? अरे ये अल्लाह साईं के खास बंदे होते हैं, इनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो तो हम जैसे गरीब गुरबाओं के लिए होते हैं, ताकि हमारे सिर से बलाएं दूर हो सके। बलाएं? हाँ, उसने हमारे सरों से मौत अपने दामन में समेट ली है ताकि हम सब बच सकें, हमारी फसलें बर्बाद ना हो। क्या वाकई माई को हमारे लिए मर गई नबीला? माई को पहले से खबर हो गई थी कि कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी जान की। हमारी खातिर, सिर्फ हमारी खातिर हमारी पीरी ने हमें अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुलाया। उन्हें मालूम था कि वो इस दुनिया से जा रही, लेकिन वो जाते जाते हमें अपना जानशीन दे गई अपने वक्त से 2 महीने पहले। और खुदा की शान देखो, पीरनी के बच्चे ने दुनिया में आते ही जैसे ही अपनी पहली आवाज निकाली तो सैलाब को भी शर्म आ गई और वो अपना मुंह छुपाकर कहीं दूर चला गया। करामत शाह जिंदाबाद, करामत शाह जिंदाबाद, फैसला हो चुका नसरीन, नबीला ने इसका नाम बहुत खूबसूरत रखा, करामत शाह। क्या खूबसूरत नाम है, ये हमारा करामत शाह है। नबीला को लसाई ने बुला लिया है, अगर मैं तू ना इसकी सगी ना, मैं पालूंगी इसे।
करामत शाह, अपनी खिदमत की इजाजत दीजिए। करामत शाह जिंदाबाद। दुआ कर। तुमसे एक फरमाइश करूं। सारा को पूरी करोगे ना? आप हुक्म करके तो देखें। मैं चाहती हूं कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि सारी दुनिया पर रश करे। तुम्हारी यही बातें तो दिल को अच्छी लगती हैं। और मैं चाहती हूं कि हमारी मोहब्बत इतनी कामयाब रहे, इतनी अच्छी रहे कि सारी दुनिया तुम्हारे मरने के बाद भी हमें याद करे। अच्छा, वो कैसे? जैसे ताजमहल। ताजमहल? अरे नबीला, मैं शामिर हूँ, कोई शाहजहां नहीं, और तुम नबीला हो, मुमताज नहीं। तुमने मुझे अभी से टोक दिया ना। तुम्हारी आरजू तकमील को पहुंच गई। कितनी खुशकिस्मत हो तुम नबीला। वेरी लकी। तुम्हारी कब्र की परस्तिश हो रही है, पूज रहे हैं तुम्हारे मकबरे को ये बेवकूफ लोग। अल्लाह माफ करे, पूछते रहेंगे। लेकिन माय लव, तुमने हमेशा के लिए हमें मुकद्दस बना दिया। क्या हो गया पोपड़ी? शाह साहब के रोने की आवाज तो बाहर तक आ रही है। क्यों हुआ? पता नहीं बीबी जी, बस शायद इनको बहुत भूख लग रही है। मैं दूध भी पिला रही हूँ लेकिन पी ही नहीं रहे। नहीं, इतनी बड़ी दाई बनती हो, इतना भी नहीं जानती कि हमारे हाथ से दूध पीते हैं सिर्फ? लेकिन आप तो अपने लेके गई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं ही पिला दूं। तू टेलीफोन कर दिया होता। वैसे हम इनके दूध का टाइम भूलते नहीं है, बस आज बातों में पता नहीं चला। बहुत बड़ी गलती होगी। आजी शाहजी, आजी आपको दूध पिलाते। सॉरी, अब दूध पियेंगे आप? हाँ, हमारे अच्छे पियेंगे। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह, माफ कर दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं होगी। क्या रिपोर्ट है? सही, मजार की जगह छोटी पड़ गई है, अब तो बहुत ज्यादा मुरीद आते हैं, आपने देखा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जी सर। एक काम करो। जी। ये सारी जमीन बराबर करवाओ, टाइलें वाले लगवाओ, पानी का बंदोबस्त करो और गुसलखाने बनवाओ। हाजिर सही, हाजिर। बल्कि ये काम तुम रहने दो, कामदार से कहो कि वो ये काम करे, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोचा। क्या सही? देखो, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, ये काम तुम्हें जेब नहीं देता। सही, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मेरी अम्मा ने तो मुझे सारी जिंदगी के लिए पीरनी का खिदमतगार बना दिया है, मेरे लिए बड़ी सादत है सही। नबीला, अल्लाह की बंदी, जानते हो जिसे अल्लाह पसंद करता है
انہیں اللہ اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے. بے شک بے شک. یہ نظر نیاز, یہ ماننے والے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی نشانی ہمارے پاس چھوڑ گئی ہے. جی سر. کرامت شاہ, ایک بزرگ ہستی. دنیا مانتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح کہتے ہو. اور میں ایک ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالنے لگا ہوں. آج سے تم کرامت شاہ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہو گے. جی. میں نے تمہیں اس کا خلیفہ بنا دیا, اس کا دھیان رکھو. سائیں, میں خلیفہ پیر کرامت سائیں کا ہوں. ہے تو مہربانی. یار وے موڑ مہار وے. شاہ صاحب, بڑی شہرت سنی ہے آپ کی, بہت دور سے آئے ہیں. آپ ہماری بگڑی بنا دے. ہمارا علاقہ سارا بارانی ہے, 2 سال سے نہ بارش ہوئی ہے نہ فصل اگی ہے. بار بار قرض میں ڈوب گیا میرا. شاہ جی, میں بیوہ عورت ہوں, میرا میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے. ایسے دعا کر دے کہ میری زمین آباد ہو جائے, آدھی فصل آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی, بس بارش ہو جائے. دعا کریں بارش ہو جائے. بڑی خوش قسمت ہو بہن, تو شاہ سائیں مسکرا دیے, سمجھو تمہاری مراد پوری ہوگی, دعا قبول ہوگی تمہاری انشاءاللہ. کیا ہو گیا محسن شاہ؟ میں تھوڑی دیر پہلے فیڈ کرایا تھا آپ کو, پھر بھوک لگ گئی. بڑے ہو رہے ہیں آپ, خوراک بڑھ رہی ہے آپ کی. کیا ہوا پوپی؟ پتہ نہیں بڑی دیجی, روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں, اگر کسی طرح بہل ہی نہیں رہے, لگتا ہے بھوک لگی ہے. آپ محسن شاہ کو فیڈر کا دودھ پلا دیجیے, مجھے دیجیے. آ جائیے شاہ صاحب. بڑی رہی ہے, میں کہہ رہی ہوں نا فیڈر پلا دو اسے, بھوک لگ رہی ہے. شاہ تو اوپر کا دودھ پیتے ہی نہیں ہے جی. کیا چاہتی ہو پوپڑی؟ گناہگار کرنا چاہتی ہو مجھے؟ دیکھو ذرا, یہ کرامت شاہ ہے اور وہ محسن شاہ, بہت فرق ہے دونوں میں, کوئی مقابلہ نہیں. ایک روحانی پیشوا تو دوسرا صرف ایک معمولی بچہ, کیا مقابلہ ہے بھلا دونوں کا؟ نہیں نہیں, بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. محسن شاہ میرے سگے بیٹے ہیں, پر کرامت شاہ پیسے 100 بیٹے قربان کر دوں گی. بوش 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 بوش. یہ لیجیے آپ کی بیٹی. بیٹی چوری ہے چوری. اولاد جیسی نعمت کیا ملی ہے ہمیں, ہمارے گھر میں اجالا ہو گیا ہے. شکریہ کلسوم. میرا کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے ہی تو یہ کیا. شکریہ تو آپ پہلے اوپر والے کا کریں اور معافی مانگیں. میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے تو آپ گناہگار کر رہے ہیں. کیوں معافی مانگوں؟ کس سے؟ مائی پیرنی کی دعا, کرم کیا ہے انہوں نے ہم پر, ورنہ میں تو 5 تھی نا. ہاں سچ کہتی ہوں. اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ تمہارا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا ہے,
मगर अल्लाह की देन देखे कि हमारी बेटी सही सलामत इस दुनिया में आ गई। बेशक मैं बिल्कुल मानता हूँ, गलती गुस्ताखी की माफी माफी। कुलशुम, मैंने ना इसका नाम उजाला रख दिया है क्योंकि ये हमारी जिंदगी में उजाला बनकर आई है। बहुत खूबसूरत नाम रखा है आपने इसका, उजाला। बाकी हमारी बेरौनक जिंदगी में इसने उजाला ही तो किया है। मगर कुलशुम अभी एक खलिश दिल में बाकी है। वो क्या? हमें नरीन औलाद चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए जो मेरी जायदाद का वारिस हो, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाए, मेरे नाम को आगे बढ़ाए, मेरी जायदाद का राखा हो। बेटा चाहिए मुझे। आप क्यों परेशान होते हैं? शाह साहब का दरबार है ना, वहां हाजिरी लगाइएगा। सही, देखिएगा हमारे यहाँ बेटा जरूर होगा, वहां से कोई बेमुराद वापिस नहीं है। सही सही। अरे 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 अरे, क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो? हाँ अच्छा अच्छा जी। नहीं 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 नहीं, हो हो हो, क्या हुआ? क्यों लो लिया? 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 हाँ 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 हाँ, आज जो भी था है, आज नहीं 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 ची ची ची। कमाल है, इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी मोहब्बत अपने सके को छोड़कर सौतेले के साथ। करामत शाह मेरे सगे बेटे हैं और इनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी हर सांस, हर धड़कन सिर्फ इसी कर्ज को उतारने में निकल जाएगी। करने दे, आप हो या मोहसिन शाह, तब बाद में सबसे पहले करामत सिंह, सब इनके पैरों की धूल है ना? देर कर दी। कुलसुम अब आ भी जाओ। आ रही हूँ। खलीफा सिंदल ने 5 मिनट का टाइम दिया, आधा घंटा तो रास्ते में लगेगा। अरे इतनी जल्दी क्यों मचाई हुई? मेरी बच्ची आ रही है ना, 2 मिनट लगेंगे। अब शाह साहब ने अगर उसको एक नजर देख लिया और मुस्करा दिया तो उसके तो नसीब ही खुल जाएंगे ना, क्यों नहीं समझ रहे आप? अरे तुम खलीफा सिंदल को नहीं जानती, वो बहुत बेईमान और चालाक हो गया। क्या खलीफा सिंदल, वो तो टके का हारी है, उसका क्या है, वापस कर देगा ना, मैं दोबारा चली जाऊंगी। वापस तो खैर नहीं करेगा, मगर रिश्वत देनी पड़ेगी। तो दे दीजिएगा ना रिश्वत, हमारी नीयत तो साफ है ना, हम साफ नीयत से शाह साहब से मिल रहे हैं। अरे वहाँ पर मुरीद तरस रहे होते हैं शाह साहब के दीदार को, लाइनें लगी हुई होती हैं,
फिर भी किसी वजह से उसने नहीं मिलने दिया, हमारी बारी नहीं आई, तो फिर दर्शन दीदार अगले महीने होगा। अच्छा अच्छा चलती हूँ, आ जाएगा जरा वो। और आप ऐसे ही जाएंगे तो क्या हुआ? मैं आपकी शॉल लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा जाओ जाओ, आ जा मेरे मुन्नो, मेरे बुट्टू, मेरे बबुलू, मेरे छोटो, मेरे बोल, आ जवान मेरा बेटा, ये तेरी मामा तो देर कर रही है मुझे। वैसे इतने पैसों में हम अपने पीर बादशाह की जूती भी नहीं दिखाते किसी को। खैर अब वादा निभाना भी तो शराफत की निशानी होती है ना। और मैं बहुत शरीफ और ईमानदार खलीफा हूँ अपने मुर्शिद का, कोई शक नहीं। जाए इजाजत है, जाए 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 जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आज आज बेटा आ जाओ आज। चलो 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 चलो। ना ना बेटा ना 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 ना, बस 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 बस, दीदार हो गया ना, दीदार हो गया बेटा, दीदार हो गया, बस 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 बस। जा रहे? मुझे भी वहां बैठना है। खामोशी से वापस चले जाओ मोहसिन शाह, ये रुतबा तुम्हारे नसीब में नहीं, ये सब कुछ तो मुकद्दर वालों को मिलता है, और नसीब इस वक्त पीर बादशाह की मुट्ठी में है, पीर करामत शाह की मुट्ठी में, समझे? चलो उतरो नीचे, चलो जाओ। आए बीबी ज़ियारत कर लें, टाइम कम है। पीर करामत शाह जिंदाबाद, साईं बादशाह जिंदाबाद, साईं बादशाह जिंदाबाद, पीर करामत शाह जिंदाबाद, पीर बादशाह जिंदाबाद। यार सही रखना छतरी, मुर्शिद आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी खेलना है इनके साथ। नहीं नहीं मेरे बादशाह आप नहीं, माजरत के साथ। पर क्यों सिंदल? ये हारियों कमियों के बेटे हैं, इनके साथ खेलना आपको जेब नहीं देता। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है बहुत ज्यादा। इन लोगों के साथ खेलना आपकी शान के खिलाफ है। क्या क्या? देखें, इन आम लोगों में घुलना मिलना
आपके रुतबे के मुताबिक नहीं है। आम लोगों से आप फासला रखें, आप तो इनके बादशाह हैं। बात समझे, आप वहां बैठ जाएं, सिर्फ खेल देखें, इनके साथ खेलना आपका बनता नहीं है। आजा, आजा, आजा। चाहिए करामत शाह, खैर से जाइए, अल्लाह की अमान। हाँ मेरे लिए दुआ करना माँ कि मेरी टीम जीत जाए। आप आज से पहले कभी हारे हैं? नहीं। फिर अब कैसे हारेंगे? पर फिर भी दुआ करना जरूरी है। करामत शाह, लोग आपसे और माई पीरनी के मजार पे दुआ करवाने आते हैं बहुत दूर दूर से। मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपके लिए दुआ करूं? माँ की दुआ कभी जाया नहीं होती है, बहुत ताकत होती है। अच्छा मेरा बेटा, जाइए, अल्लाह की अमान। मेरा भी माथा चूम लो माँ, मुझे भी मैच खेलना। अरे हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा। कितनी बार समझाए तुम्हें, मेरी बराबरी करने की कोशिश ना करो। कहाँ मैं और कहाँ तुम। मुझे नहीं खेलना कोई मैच वैच, मैं नहीं जा रहा। मोहसिन साहब, देखिए जाना तो आपको पड़ेगा ना बेटा, वरना करामत शाह को बुरा लगेगा। आप दोनों का कोई मुकाबला नहीं है बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अलग है। हाँ प्लीज उन्हें नाराज नहीं करना है, आप जाइए, मैं उठा कर जाके खेलिए। अच्छे बेटे ना मेरे, चलिए शाबाश, जाइए और ये बैग भी लेके जाइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाय बाय। अपने भाई को समझा दिया था ना, शाह साहब आउट नहीं हो सकते, सेंचुरी बनाएंगे। जी सही, जी सही। अगर तेरे भाई ने उनको आउट करने की कोशिश की तो फिर। जी सही, मिस जी। हमेशा की तरह तेरे भाई की टीम को यही पैगाम दिया मैंने कि अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। फतेह सिर्फ मुर्शिद बादशाह की, हमारे करामत साईं की। हमारा बादशाह, हमारा बादशाह, हमारा बादशाह। हटो, रास्ता दो, हटो हटो, आए बैठ बैठ बैठ। वाह बादशाह, कमाल कर दिया आपने, आप तो हमेशा कमाल करते हैं। तौलिया लाओ जल्दी। करामत शाह, इनिंग क्यों डिक्लेयर कर दी? शरबत ले क्या? मैंने 150 रन कर लिए ना, ये बहुत है। आप हमेशा से ऐसे ही करते हो, जब भी मेरी बैटिंग आती है इनिंग डिक्लेयर कर देते हो। अगली दफा से मैं पहले जाऊंगा आपसे बैटिंग करने। खबरदार, सबसे पहले बादशाह साईं, बाकी सारी दुनिया इनके बाद, इनसे पहले कोई नहीं, कोई भी नहीं, तू भी नहीं। ये लो मोहसिन, मेरा झूठा ही पिया करो और मेरा झूठा खाया करो, शायद कुछ ना कुछ असर तुम पे भी हो जाए। जरूरी है नसरीन, बहुत जरूरी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमें दुनिया की रफ्तार के साथ चलना चाहिए वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। साहिब, जमाने को तो हमारे शाह साहब ने काबू किया हुआ है, हमें परेशान होने की क्या जरूरत। तुम समझती क्यों नहीं, हमारे दोनों बेटे तालीम हासिल करेंगे तो ज्यादा तरक्की हासिल करेंगे। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है सही, दौलत है, शोहरत है,
और क्या चाहिए? इसके बावजूद एजुकेशन से शख्सियत में निखार आ जाता है, एक स्टाइल बदल जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि मोहसिन और करामत बड़ी बड़ी सोसाइटी में उठे बैठे, उनके तौर तरीके सीखें, इससे उनकी शख्सियत और ग्रूम होगी। हम खुश हैं सही, मुझे नहीं लगता हमें किसी चीज की कमी है। कमी है नसूर, बहुत बड़ी कमी है। तुम वहां तक नहीं सोच सकती जहां तक मैं सोच रहा हूं। दरअसल इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, वहां तक तुम चाहो भी तो सोच नहीं सकती। मैं बहुत आगे की देखता हूं, इलेक्शन, पार्लियामेंट, इख्तदार, इख्तियार, पावर। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आएगा भी, दरअसल मैं अपने दोनों बेटों में किसी किस्म की कोई खामी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं दोनों को शहर भेजा। सही, आप दोनों को भेज रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, मोहसिन और करामत दोनों जाएं। नहीं सही, ऐसा ना करें, दोनों को ना भेजे, एक को तो रहने दें मेरे पास। मैंने फैसला कर लिया कि वो दोनों शहर जाएंगे और मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। है आज भी अदा साई जीतेंगे, ये तो आज दिन तक हुआ ही नहीं है कि करामत साई कभी हारे हों। बात तो तुम्हें अच्छी तरह पता है, बल्कि यकीन है। जीत हमारा मुकद्दर, हारना तो हमने सीखा ही।
नजर चढ़ा के अजू सिंह नहीं कामदार मौके की नजाकत को समझो इलेक्शन जीते हैं अल्लाह ने इज्जत दी है आज ये चादर मैं ना खुद चढ़ाऊंगा लो तुम सब यहीं ठहरोगे करामत को मेरा बना दे माई उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे वो मुझे एक दफा देख ले मैं तुझसे आईना कुछ नहीं मांगूंगी माई करामत को मेरा अपना बना दे बहुत जालिम इंसान है वो मेरा बना दे सुनने मेरी फरियाद आए कौन है ये तंग आ गया हूं मैं तुम्हें यहां देख देख कर कभी हवेली की चौखट पर और कभी यहां पर क्या चाहती हो कौन हूं कौन हूं मैं पहचाना नहीं जोगन हूं मैं यार वे मोड़ मुहार वे सिरिश्ता